हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप 35 क्वेश्चंस का, और ये सभी क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट वन में ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था, और फ्रेंड्स आज अगेन हम इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट वन को नहीं देखा है, तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर एक आई का बटन दिखाई देगा। फ्रेंड्स, उस बटन को यदि आप प्रेस करते हैं तो वहां पर जाकर के आप इससे पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन चैनल के ठीक नीचे दिया गया है, वीडियो को ठीक नीचे दिया है, और साथ के साथ आपको घंटी के निशान को भी आपको प्रेस करना है, सो दैट जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले और बिना किसी रुकावट के। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, यानी कि कौन से शहर में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था रियो डी जेनेरो। ये हमें याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टिड्डा है, टिड्डे को खाया जाता है किसके द्वारा, मेंढक के द्वारा। तो टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है और जो मेंढक है वो द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में होगा। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ इसका, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ब्लैंक दिया है, पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स, कौन सा होता है, समुद्र होता है। समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है, यानी कि डैश में बताना है, तो ये जुड़ा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आता है फ्रेंड्स शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, तो एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय में दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो ये होता है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है सौरमंडल, चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पूछा था फ्रेंड्स कि जो हमारा जो इसमें दिया है फ्रेंड्स कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था, तो ये जुड़ा था उत्तराखंड से। और इसी में चिपको आंदोलन के यदि प्रणेता पूछा जाता है तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सजीव वस्तु नहीं है, तो सजीव वस्तु में दो से तीन एग्जांपल देगा फ्रेंड्स, पूछ लेगा कि कौन सी सजीव वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, यदि बादल ऑप्शन में आता है तो आपको बादल को टिक करना है, बाकी फ्रेंड्स कैटेगरी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन मिलता है, कहाँ से मिलता है, पौधों से, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी पौधों से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, तो 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छिपकली में श्वसन अंग है, तो छिपकली में जो श्वसन अंग है वो होता है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है, तो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कांकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, और फ्रेंड्स सूर्य छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, और मन पसंद व्यंजन को देखकर मुंह में पानी का आना, तो ये क्या दर्शाता है, उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है, कौन कौन करते हैं, तो छिपकली करती है और मेंढक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे एवं कुल्ले में पाई जाने वाली संधि है, तो कौन सी संधि है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी कंदुक खली का संधि। नेक्स्ट है, बच्चों को
जन्म देने वाले कुछ जानवर हैं। तो जानवरों में कौन कौन से आते हैं, जैसा कि आप देखेंगे, चमगादड़, सील, व्हेल, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। तो पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है किसमें, पत्थर चट्टा में, पत्थर चट्टा में, ये पौधे का नाम है। नेक्स्ट है, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि, क्यों देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनका लॉजिक है, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, तो सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, इसलिए एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य की कोहनी और घुटने में संधि पाई जाती है। तो मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हिंज संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सिर यानी कि खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती हैं क्योंकि इनमें पाई जाती है, क्या चीज पाई जाता है, क्योंकि इसके अंदर अचल संधि पाई जाती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स मनुष्य के सिर यानी कि खोपड़ी की जो अस्थियां हैं वो मूवमेंट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जानवर जो अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं, तो उनमें कौन कौन से जानवर आते हैं, तो उसमें आता है आपका कुत्ता, बाघ और शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह, स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये क्या है, रात्रि चर है, यानी कि रात में चरने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि इनके, इनकी क्या विशेषता है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्य की दृष्टि से 4 गुनी तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, तो ये है हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, क्योंकि स्तनधारी की पहचान बताई हुई है कि बच्चे देने वाला स्तनधारी होता है चमगादड़। नेक्स्ट है, अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है, कौन कर लेता है, ये विशेषता होती है रेशम के कीड़े की, तो ये हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस होती है, तो ऑक्सीजन, ये सभी को पता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, और इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप में विशेषता पाई जाती है, तो ये क्या विशेषता पाई जाती है, ये क्या, अंडे देते हैं, ये इनकी विशेषता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पक्षियों में से खाली स्थान दिया है, काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा सकता है, तो कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा सकता है, तो ये विशेषता होती है उल्लू की, आउल की, तो उल्लू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक तेज देख सकते हैं, तो मैंने इसको पहले भी बताया है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर, ये जानवर लिखा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये है जानवर, कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं, तो वे हैं, तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, तो ये होता है काला और सफेद रंग, तो ये काले और सफेद रंग को ही देखते हैं जो रात्रिचर जानवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि फ्रेंड्स पक्षियों की जो आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए गर्दन को घुमाकर ही वे देखने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जीवन प्रक्रियाओं का युग्म जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में मिलता है, तो वो होता है वृद्धि और प्रजनन, ये दोनों क्या है, जीवन प्रक्रियाओं का एक युग्म है जो पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने जो नियरेस्ट और डियरेस्ट जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर, सो दैट फ्रेंड्स उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
आपने यदि अभी तक वीडियो यानी कि चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड की है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके यूपी टेट से रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड और अन्य राज्यों के टेट से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करना नहीं भूलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।